फिर इन द थर्ड पार्ट इट सेज वी हैव अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट. अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हुआ है आपके पास. तो हमें यहाँ पे बताना है कि माइल्ड नॉन करोसिव और बेसिक सॉल्ट कौन सा है. तो सबसे पहले तो यहाँ पे ना OH वाले कैंसिल कर दो, क्योंकि ये तो हमारे बेस हैं, हमें चाहिए सॉल्ट. अब NaCl कैसे बनता है, उसके लिए हमें चाहिए HCl, हमें चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब दोनों चीजें मिलेंगी तब हमें क्या मिलेगा, NOCl. तो यहाँ पे ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है. बेसिक सॉल्ट कैसे बनना चाहिए हमारा, हमारे पास स्ट्रांग बेस होना चाहिए और हमारे पास एक वीक एसिड होना चाहिए, तब जाके हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज डी पार्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वुड बी द आंसर. क्योंकि ये किससे फॉर्म हुआ होता है, एक स्ट्रांग बेस से एंड वीक एसिड से.